भारत माता की, भारत माता की। रणथंभौर में विराजमान त्रिनेत्र गणेश जी की, चौथ माता की, पपलाज माता की, मीन भगवान की, देवनारायण भगवान की, देवधाम जोधपुरिया की, शिवाड़ ज्योतिर्लिंग महादेव की, डिग्गी कल्याण जी की, राम राम सा। आज अभी से इतना जोर दिखाओगे तो मेरा भाषण पूरा होता होता थक जाओगे। मैं माताओं बहनों को विशेष प्रणाम कर रहा हूं, वो आज और जुस्से में दिख रही है। भारत माता की, भारत माता की। भैया, आपका प्यार, आपके आशीर्वाद, आपके उत्साह, सब कुछ मुझे पहुंच गया। अब मैं अपनी बात पहुंचाऊं। आज राम भक्त हनुमान जी की जयंती का पवित्र दिन है। पूरे देश को हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे साथ बोलिए, बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की। और मैं आप सबका भी आभारी हूं कि आज आपने मुझे गदा देकर के बजरंग बली की जय करने का अवसर दे दिया। महावीर, वीरों के वीर बजरंग बली की जयंती पर मेरा सौभाग्य है कि मुझे शूरवीरों की धरती सवाई माधोपुर आने का मौका मिला है। चुनाव के दिन है, एक दिन में दो दो तीन तीन स्टेट में जाना होता है और इसलिए सभा के समय से भी पहले यहां सभा का समय मैंने दे दिया था और मैं देख रहा हूं वहां से हुजूम का हुजूम अभी आ ही रहा है, पूरा जुलूस वहां से आ रहा है। मुझे लगता है कि मेरी सभा पूरी होने के बाद भी लोग आते रहेंगे, तो जो अभी पहुंच नहीं पाए हैं, रास्ते में दिख रहे हैं, मैं उनकी क्षमा मांगता हूं, क्योंकि मुझे तो इंतजार नहीं कर सकता, आगे चलना पड़ेगा। लेकिन ये मैं जो उत्साह देख रहा हूं उसमें एक मजबूत भारत के लिए आशीर्वाद है, इसलिए हर तरफ यही गूंज है, फिर एक बार। साथियों, हमारे राजस्थान ने सदियों से सीमा पर खड़े मजबूत प्रहरी की तरह देश की रक्षा की है। राजस्थान ये बखूबी जानता है
कि सुरक्षित राष्ट्र और स्थायी सरकार ये कितनी जरूरी होती है। इसलिए चाहे 2014 हो या 2019 हो, राजस्थान ने एकजुट होकर देश में भाजपा की ताकतवर सरकार बनाने के लिए अपना आशीर्वाद दिया था। आपने 25 की 25 सीटें भाजपा को जीत करके झोली भर दी थी। एकजुटता ही, एकता ही राजस्थान की सबसे बड़ी पूंजी है। याद रखिएगा, जब जब हम बटे हैं तब तब देश के दुश्मनों ने फायदा उठाया है। अब भी राजस्थान को बांटने की, यहां के लोगों को बांटने की पूरी कोशिशें हो रही हैं। इससे राजस्थान को सावधान रहने की जरूरत है। साथियों, एक स्थिर और ईमानदार सरकार देश के विकास के लिए क्या कुछ कर सकती है, ये पिछले 10 वर्षों में सबने देखा है। भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था है। पिछले 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये बहुत बड़ा काम हुआ है। इतना बड़ा काम कैसे संभव हुआ, कैसे हुआ ये? इतना बड़ा काम कैसे संभव हुआ? देश को सबसे मजबूत स्थिति में किसने पहुंचाया, किसने पहुंचाया? माताएं बहनें बताएं, किसने पहुंचाया? ये आपकी उदारता है, आपका प्रेम है, आपके आशीर्वाद है कि आप सारी क्रेडिट मोदी को दे रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ये जो कुछ भी हुआ है ना, वो आपके एक वोट की ताकत के कारण हुआ है, आपके कारण हुआ है। जो 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं ना, वो जो पुण्य है, उस पुण्य के हकदार आप है। जिस गरीब को पक्का घर मिला है, उसका जो पुण्य है, उस पुण्य के हकदार आप है। जिस गरीब को मुफ्त राशन मिला है, जिस गरीब का चूल्हा जलता रहा है, उसके कारण जो पुण्य मिला है, वो पुण्य के हकदार आप है, आपका वोट है। साथियों, 2014 में आपने मोदी को दिल्ली में सेवा का अवसर दिया तो देश ने वो फैसले लिए जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन आप सोचिए, अगर कांग्रेस 2014 के बाद भी और आज भी अगर दिल्ली में कांग्रेस की सरकार होती तो क्या क्या हुआ होता? कांग्रेस होती तो जम्मू कश्मीर में आज भी
हमारी सेनाओं पर पत्थर चल रहे होते, चलते कि नहीं चलते, कांग्रेस होती तो सीमा पार से आकर दुश्मन आज भी हमारे जवानों के सिर काटकर ले जाते, कांग्रेस सरकार कुछ न करती। कांग्रेस होती तो ना हमारे फौजियों को वन रैंक वन पेंशन लागू होती और ना ही हमारे पूर्व सैनिकों को 1,00,000 करोड़ रुपया मिलते। कांग्रेस होती तो देश में आए दिन देश के कोने कोने में सीरियल ब्लास्ट बम धमाके होते ही रहते, निर्दोष लोग मरते ही रहते। कांग्रेस ने तो राजस्थान में जो सीरियल ब्लास्ट हुए थे, बम धमाके हुए थे, उन दोषियों को बचाने का घोर पाप भी किया है। कांग्रेस होती तो कोरोना के समय ना किसी को मुफ्त राशन मिलता और ना ही किसी को मुफ्त वैक्सीन मिलती। कांग्रेस होती तो देश में महंगाई से हाहाकार मचा होता। कांग्रेस पार्टी देश की मुसीबत में अपने लिए भ्रष्टाचार के नए मौके तलाशती। और राजस्थान के मेरे भाइयों और बहनों, आप लोग तो कुछ महीने पहले ही कांग्रेस के पंजे से मुक्त हुए हैं। कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में रहते हुए जो जख्म दिए, वो राजस्थान के लोग कभी भी भूल नहीं सकते। कांग्रेस ने महिलाओं पर अत्याचार के मामले में राजस्थान को नंबर एक बना दिया था। और दुर्भाग्य देखिए, कांग्रेस के लोग विधानसभा में बेशर्मी के साथ कहते थे कि ये तो राजस्थान की पहचान है। अरे डूब मरो डूब मरो, ये शोभा नहीं देता है, ये शोभा नहीं देता है आपको। टोंक में किन असामाजिक तत्वों के कारण यहां की इंडस्ट्री बंद हो गई, ये भी आप जानते हैं। लेकिन आपने हमारे भजनलाल जी को सेवा करने का मौका दिया है। और जब से भजनलाल जी और उनकी टीम काम पे लगी है, माफिया अपराधी राजस्थान छोड़कर भागने पर मजबूर है। पेपर लीक माफिया भी भजनलाल जी का कानूनी डंडा चलने के बाद ठंडा पड़ गया है, जबकि अभी तो इन्हें सिर्फ 3-4 महीने ही भजनलाल जी और उनकी टीम को हुआ है। जो अपराधी धोखे में है वो जान ले ये भजनलाल जी है। अभी तो भजनलाल सरकार की गाड़ी चलनी शुरू हुई है, अभी तो टॉप गियर में आना बाकी है। साथियों, आज हनुमान जयंती पर आपसे बात करते हुए मुझे कुछ दिन पहले की एक तस्वीर भी याद आ रही है। हो सकता है
आप में से बहुतों तक ये खबर नहीं पहुंची होगी। मीडिया का काम था ये बात पहुंचाए, लेकिन नहीं पहुंचाई होगी। वो तस्वीर है कांग्रेस के शासन वाले कर्नाटका की। कुछ दिन पहले वहां एक छोटा दुकानदार, उसको सिर्फ इसलिए बुरी तरह से पीटा गया, लहूलुहान कर दिया गया, क्योंकि वो अपनी दुकान में बैठे बैठे हनुमान चालीसा सुन रहा था। ये कांग्रेस की कर्नाटका की सरकार का काम देखिए, अपनी छोटी सी दुकान में एक गरीब आदमी भक्ति भाव से प्रभु हनुमान जी का स्मरण करते हुए हनुमान चालीसा सुन रहा था, उसको लहूलुहान कर दिया गया। आप कल्पना कर सकते हैं, कांग्रेस के राज में हनुमान चालीसा सुनना भी गुनाह हो जाता है। कांग्रेस के राज में अपनी आस्था का पालन करना भी मुश्किल हो जाता है, और राजस्थान तो खुद इसका भुक्त भोगी रहा है। अब सीधी सीधी बात है, जब उनके पार्टी, उनके सारे नेता प्रभु राम का मंदिर बने, प्रभु राम का प्राण प्रतिष्ठा का अवसर हो, मंदिर के लोग जाके रूबरू में आने के लिए निमंत्रण दे, सम्मान पूर्वक निमंत्रण दे, और पब्लिकली उस निमंत्रण को ठुकरा दिया जाए, तो उनके चेले चपाटे भी हनुमान चालीसा करने वालों को पीटेंगे कि नहीं पीटेंगे? भाई कुछ दिन पहले ही रामनवमी बीती है, कांग्रेस के जाने के बाद पहली बार शांति से शोभा यात्रा निकली है पूरे राजस्थान में, वरना पहले और चुनाव की आपाधापी गर्मी होने के बावजूद भी कांग्रेस ने तो, और हमारे यहां तो सूरज की पहली किरण का स्वागत भी राम राम सा से होता है, राम राम सा। कोई किसी को मिले तो पहले मूल से निकलता है राम राम सा। कांग्रेस ने तो राम राम सा कहने वाले राजस्थान में राम नवमी पर प्रतिबंध लगा दिया था। और हमारे किरोड़ी लाल ऐसे हर मुद्दे पर लड़ाई लड़ते थे। कांग्रेस ने शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी करने वालों को सरकारी संरक्षण दिया था। इसी कांग्रेस पार्टी ने तुष्टिकरण के लिए मालपुरा, करौली, छबड़ा, टोंक, जोधपुर को दंगों की आग में झोंक दिया था। झोंक दिया था कि नहीं झोंक दिया था? झोंक दिया था कि नहीं झोंक दिया था? कैसे लोगों को माफ करोगे? अब भाजपा सरकार आने के बाद किसी की हिम्मत नहीं है कि आपकी आस्था पर सवाल उठा दे। अब आप चैन से हनुमान चालीसा भी गाएंगे और राम नवमी भी मनाएंगे, ये भाजपा की गारंटी है। साथियों, अभी परसों जब मैं राजस्थान आया था,
तो मेरा एक 1.5 मिनट का भाषण 90 सेकंड का भाषण और मैंने कुछ सत्य देश के सामने रखा और पूरी कांग्रेस और इंडी गठबंधन में ऐसी भगदड़ मची है, ऐसी भगदड़ मची है। मैंने सत्य रखा देश के सामने, कांग्रेस आपकी संपत्ति छीनकर उनके खास लोगों को बांटने की गहरी साजिश रचकर बैठी है। 2-3 दिन पहले मैंने कांग्रेस की इस वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति का पर्दाफाश किया था। इससे कांग्रेस और उसको सिस्टम में उनको इतनी मिर्ची लगी है, इतनी मिर्ची लगी है कि वो हर तरफ गालियां देने में टूट पड़े। जो आए वो मोदी को गाली दे रहा है। मैं कांग्रेस से जानना चाहता हूं, आखिर कांग्रेस सच्चाई से इतना डरती क्यों है? कांग्रेस क्यों अपने नीतियों को ऐसे छिपाने में लगी है? जब आपने नीति बनाई है, निर्णय लिया है, तो अब जब मोदी जी ने खुलकर के राज रख दिया, आपका हिडन एजेंडा बाहर आ गया, तो अब कांप रहे हो? अरे हिम्मत है तो स्वीकार करो, हम आपसे मुकाबला करने के लिए तैयार है। मैं ये बात देश को साफ साफ बताना चाहता हूं कि कांग्रेस वोट बैंक पॉलिटिक्स के दलदल में इतना धंसी हुई है कि उसे बाबा साहब के संविधान की भी परवाह नहीं है। और आपको पता होगा, उन्होंने मैनिफेस्टो में तो लिखा है कि आपकी संपत्ति का सर्वे करेंगे, हमारी माताओं बहनों के पास जो स्त्री धन होता है, जो मंगलसूत्र होता है, उसका सर्वे करेंगे। और फिर उनके एक नेता ने तो भाषण में कहा एक्सरे किया जाएगा। मतलब आपके घर में अगर बाजरे के अंदर डिब्बे में भी कुछ रखा है तो वो भी एक्सरे करके खोजा जाएगा, दीवार में कहीं रखा है तो उसको भी एक्सरे करके खोजा जाएगा। पूरा एक्सरे करने वाले की घोषणा की है और उनके नेता ने पब्लिकली कहा है। और फिर आपकी सारी संपत्ति, जरूरत से ज्यादा जो भी होगा वो उनका कब्जा करेगी, उनकी सरकार कहते हैं, और फिर लोगों को बांट देंगे। अगर आपके पास 2 घर है, यहां गांव में घर है और बच्चों के लिए आपने जयपुर जोधपुर में अगर एक छोटा फ्लैट ले लिया है, तो एक्सरे करेंगे कि भाई 2 घर है, एक वापस दो, सरकार को दे दो। बताइए आपको मंजूर है क्या? ये मंजूर है क्या? क्या स्त्री धन पर हाथ लगा सकते हैं क्या? क्या मंगल सूत्र पर हाथ लगा सकते हैं क्या? ये पंजे की ये ताकत? भाइयों बहनों, राजस्थान में से एक भी पंजा बचना नहीं चाहिए। भाइयों, अब देखिए, कांग्रेस पार्टी ने संविधान के साथ, बाबा साहब अंबेडकर के दिए हुए संविधान के साथ किस प्रकार से खिलवाड़ करने की कोशिश की। इस देश की में जब संविधान बना, तब धर्म के आधार पर आरक्षण का घोर विरोध हुआ था, ताकि
हमारे एससी एसटी ओबीसी समुदाय को सुरक्षा मिलती रहे। लेकिन उन्होंने मनमोहन सिंह जी ने भाषण किया था और उस सभा में मैं मौजूद था मुख्यमंत्री के नाते, मुस्लिमों का देश के संसाधनों पर पहला हक है, ये मनमोहन जी का बयान है। और ये संयोग नहीं था और ये अकेला बयान नहीं था, कांग्रेस पार्टी की सोच हमेशा से तुष्टीकरण की रही है, वोट बैंक की राजनीति की रही है। 2004 में जैसे ही कांग्रेस की केंद्र में सरकार बनी, उसके सबसे पहले किए गए कामों में था, सबसे पहला काम था चुनाव जीतने के बाद आंध्र प्रदेश में एससी एसटी के रिजर्वेशन में से कमी करके मुसलमानों को रिजर्वेशन देने का प्रयास। ये एक पायलट प्रोजेक्ट था जिसे कांग्रेस पूरे देश में आजमाना चाहती थी। 2004 से 2010 के बीच कांग्रेस ने 4 बार आंध्र प्रदेश में मुस्लिम रिजर्वेशन लागू करने की कोशिश की, लेकिन कानूनी अड़चनों की वजह से, सुप्रीम कोर्ट की जागरूकता के कारण वो अपने मंसूबा जो लेके चले थे वो पूरे नहीं कर पाए। 2011 में कांग्रेस ने इसे देश में लागू करने की कोशिश की, एससी एसटी को और ओबीसी को मिला हुआ अधिकार छीन करके वोट बैंक की राजनीति के लिए औरों को देने का खेल किया। कांग्रेस ने इतने प्रयास ये जानते बूझते किए कि ये सब संविधान की मूल भावना के खिलाफ था, लेकिन कांग्रेस ने संविधान की परवाह नहीं की, बाबा साहब आम्बेडकर की परवाह नहीं की। जब कर्नाटका की बीजेपी सरकार ने, जब हमें मौका मिला तो हमने पहला काम किया, उन्होंने जो एससी एसटी से छीन करके मुस्लिम कोटा निकाला था उसको हमने खत्म कर दिया और जिनका हक था उनका हित सुरक्षित रखा। तो कांग्रेस पूरे देश में आग बबूला हो गई, ये मोदी समझता क्या है? अरे मोदी संविधान को समझता है, मोदी संविधान को समर्पित है, मोदी बाबा साहब आम्बेडकर की पूजा करने वाला व्यक्ति है। साथियों, सच्चाई ये है कि कांग्रेस और इंडिया अलायंस जब सत्ता में था तो ये लोग दलितों पिछड़ों के आरक्षण में सेंधमारी करके वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए उनकी खास जमात को अलग से आरक्षण देना चाहते थे, जबकि संविधान इसके बिल्कुल खिलाफ है। आरक्षण का जो हक बाबा साहब ने दलित पिछड़ों और आदिवासियों को दिया, कांग्रेस और इंडिया अलायंस वाले उसे मजहब के आधार पर मुसलमानों को देना चाहते थे। मैं कांग्रेस को पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस ऐलान करेगी कि संविधान में दलितों पिछड़ों के आरक्षण को, आदिवासियों के आरक्षण को कम करके वो इसे मुसलमानों को नहीं बांटेंगे? जरा देश की जनता को वादा करो। कांग्रेसी जहां भी आए, आपको मोहल्ले में आ जाए, आपके घर में मिलने आ जाए, जरा खड़े रख करके पूछो, कर्नाटका आंध्र जैसे राज्यों में इन्होंने आरक्षण को मजहब के आधार पर बांटने का खेल क्यों शुरू किया था? साथियों, कांग्रेस की इन साजिशों के बीच मोदी आज आपको
खुले मन से गारंटी दे रहा है। दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का आरक्षण न खत्म होगा, ये मोदी की गारंटी है। आरक्षण न खत्म होगा और न ही उसे धर्म के नाम पर बांटने दिया जाएगा, ये मोदी की गारंटी है। 2020 में आरक्षण की संवैधानिक समय सीमा खत्म हो रही थी और उस समय आपने मोदी को सेवा के लिए बिठाया हुआ था। ये मोदी है जिसने दलितों, आदिवासियों का आरक्षण और 10 साल के लिए बढ़ा दिया था। साथियों, कांग्रेस कभी भी विकास के मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ती। कांग्रेस पार्टी ने इतने दशकों तक आपको पीने के साफ पानी जैसी जरूरत तक से वंचित रखा। बीजेपी सरकार ने हर घर जल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन शुरू किया, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने उसमें भी हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार कर दिया। कांग्रेस ने राजस्थान के लिए सबसे जरूरी ईआरसीपी प्रोजेक्ट को भी पास नहीं होने दिया। ये भाजपा सरकार ने, हमारे भजनलाल जी की मेहनत ने 3 महीने के अंदर ही ईआरसीपी परियोजना को पास कर दिया। ईआरसीपी का बहुत बड़ा लाभ टोंक सवाई माधोपुर को मिलने वाला है। इसका बड़ा लाभ यहां के किसानों को होगा। यहां सवाई माधोपुर टोंक जिले में पीएम किसान सम्मान निधि के करीब 1100 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए गए हैं। राजस्थान में गेहूं का समर्थन मूल्य भी बढ़ाया गया है। साथियों, कांग्रेस को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण से भी एलर्जी है। ये बीजेपी है आज पूरे देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है। देश का सबसे बड़ा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे सवाई माधोपुर से होकर के गुजर रहा है। सरकार ने जयपुर सवाई माधोपुर रेलवे लाइन के दोहरीकरण की मंजूरी भी दे दी है। हमने दौसा गंगापुर सिटी से जुड़ी हुई रेलवे लाइन का दशकों से लंबित काम भी पूरा किया। इस क्षेत्र में इलाज की बेहतर सुविधाओं के लिए एक मेडिकल कॉलेज भी बनाकर तैयार हो रहा है। साथियों, 24-20 चुनाव में राजस्थान में ये मेरी आखिरी सभा है। अब 26 अप्रैल को अगले चरण का मतदान है। बीते दिनों मुझे राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में जाने का मौका मिला है। अब कल शाम को तो शायद आपका प्रचार अभियान भी पूरा हो जाएगा। ये मेरी आखिरी सभा है। राजस्थान के मध्य सभी क्षेत्रों के लिए मैं उनके आशीर्वाद की कामना करता हूं, अधिकतम मतदान की कामना करता हूं। शादी ब्याह के दिन है, गर्मी भी बहुत है और ऐसे में हम राष्ट्र कर्तव्य न भूले, लोकतंत्र के हमारे दायित्व को न भूले, अधिकतम वोट करें, ये मेरी आग्रह रहेगा। आपने मुझे राजस्थान की यात्रा मैंने देखा है, भरपूर आशीर्वाद दिया है। ये आपका ये आशीर्वाद मेरी पूंजी है, आपके सपने मेरे अपने हैं। विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए मेरा भी हर पल हर क्षण देश के लिए है। इसलिए 24/7 मैं 2047 के लिए काम कर रहा हूं। और बीते 10 वर्षों में जो काम हुआ है वो तो एक केवल ट्रेलर है। अगले 5 वर्षों में हमें देश को, राजस्थान को बहुत आगे लेकर जाना है। मेरा अनुरोध है आप रिकॉर्ड संख्या में कमल के आगे का बटन दबाकर भाई सुखबीर सिंह जौनपुरिया समेत सभी बीजेपी उम्मीदवारों को संसद में भेजे। और ये हमारे जौनपुरिया जी सामान्य इंसान नहीं है,
मैं पार्लियामेंट में उनको कहता रहता था कि ये जौनपुरिया नहीं, ये तो जानपुरिया है, ये जान भर देते हैं, जहां भी पहुंचते हैं जान भर देते हैं, ऐसे हमारे जौनपुरिया जी को। और आपका एक एक वोट सीधा मोदी को जाने वाला है, और मोदी आपके पास वोट मांगने आया है। आपको एक और काम करना है, करोगे? करोगे? घर घर जाकर कहना मोदी जी आए थे, हर परिवार के लोगों को मोदी जी ने प्रणाम भेजा है, मेरा प्रणाम पहुंचा दोगे? मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की। जो लोग अभी भी आ रहे हैं, मैं पहले से उनकी क्षमा मांगता हूं, मुझे जल्दी जाना पड़ रहा है, इसलिए मैं उनका इंतजार कर रहा हूं, ऐसा संभव नहीं था। फिर भी ये प्यार कम नहीं है जी, इतना अबड़ा मैं लगातार देख रहा हूं, जुलूस आता ही चला जा रहा है। मैं फिर से इनका क्षमा मांगता हूं भैया, वो इतनी मेहनत करके इतनी धूप में आए हैं लेकिन पहुंच नहीं पाए, मैं सर झुका करके उनको प्रणाम करता हूं, क्षमा मांगता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।